नताशा स्टैनकोविक और हार्दिक पंड्या की पर्सनल लाइफ इन दिनों चर्चा में है। दोनों ऑफिशियली अलग हो चुके हैं। रिसेंटली हार्दिक और जैस्मिन वालिया की डेटिंग की खबरें इंटरनेट पर छाई रहीं। अब नताशा के पोस्ट देखकर लोगों को लग रहा है कि उन्हें धोखा मिला है और वो इससे उबरने की कोशिश कर रही हैं। बता दें कि पहले कई लोग नताशा को तलाक की वजह मान रहे थे। हार्दिक की वैकेशन की तस्वीरें देखने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने नताशा से माफ़ी मांगी। तलाक की खबरों के बाद नताशा स्टैनकोविक कई स्पिरिचुअल पोस्ट कर चुकी हैं। रिसेंटली उन्होंने फिर से ईश्वर पर भरोसा जताया है। नताशा क्लिप में बोलती हैं, जब समय सही होगा भगवान सब ठीक कर देंगे। आपको जल्दबाजी करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जब आप जल्दबाजी करना बंद कर देते हैं तब आप ईश्वर को अपना काम करने का मौका देते हैं। हम उन्हें स्पेस देते हैं, जब हम स्लो हो जाते हैं तभी तेज जा सकते हैं। नताशा ने साथ में कैप्शन लिखा है कि हम चीज़ों की जल्दबाजी करते हैं ये सोचकर कि हमारे पास टाइम नहीं है, चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाएंगी, लेकिन जल्दबाजी में हम सिर्फ एक चीज़ खोते हैं, वो है ईश्वर का आशीर्वाद। ईश्वर कभी देर नहीं करते। नताशा और हार्दिक पंड्या ने इस साल 14 फरवरी को एक दूसरे के साथ वैलेंटाइंस डे मनाया और 3 महीने बाद ही उनके तलाक की खबरें आने लगी। कई दिनों तक कयास लगते लगते आखिरकार 18 जुलाई को दोनों ने एक पोस्ट किया जिसमें अलग होने की ऑफिशियली घोषणा कर दी गई। अब अगस्त की शुरुआत में हार्दिक ने अपने हॉलिडे की तस्वीर डाली। सेम लोकेशन की तस्वीर उसी वक्त सिंगर मॉडल जैस्मिन वालिया ने भी डाली और उसके बाद से हार्दिक को ट्रोल किया जा रहा है। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर नताशा को सॉरी भी बोला। अब सवाल यह है कि क्या सच में हार्दिक पंड्या जैस्मिन वालिया को डेट कर रहे हैं, और अगर सच में ऐसा है तो शायद ये कनेक्शन हो सकता है कि नताशा को इस शादी में धोखा मिला हो और इसीलिए शायद नताशा ने हार्दिक से अलग होने का फैसला किया। अब हार्दिक का अगर रिपोर्ट कार्ड देखा जाए और हार्दिक की अगर हिस्ट्री देखा जाए तो उनका कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा फीमेल से रहा है, और ये बहुत बार ये चीज़ें रिपोर्ट्स में सामने आई हैं कि हार्दिक का कनेक्शन इससे है। हार्दिक की बातों से ऐसा लगता है कि हार्दिक पंड्या काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं नए नए दोस्त बनाने में, और उसी तरह से चीज़ें सोशल मीडिया पर अभी फ़िलहाल पोर्ट्रे हो रही हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है कितनी झूठ है इस बात की पुष्टि हम नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि जैस्मिन वालिया और हार्दिक पंड्या एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हम ये भी नहीं कह सकते कि हार्दिक पंड्या ने नताशा को धोखा दिया है। जब तक क्लैरिटी दोनों की तरफ से सामने नहीं आती तब तक इस बात का सिर्फ एक अनुमान लगाया जा सकता है। पर फिलहाल सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, हार्दिक पंड्या जैस्मिन वालिया अगर साथ में डेट कर रहे हैं तो ये एक कह सकते हैं कि भाई हो सकता है कि शायद शादी से पहले भी या शादी के दौरान भी हार्दिक पंड्या जैस्मिन वालिया के साथ संपर्क में रहे हों, और कुछ टाइम से शायद नताशा ने ये नोटिस किया हो और इसीलिए उन्होंने फिर अलग होने का फैसला किया। क्योंकि पिछले ही महीने हार्दिक पंड्या और नताशा ऑफिशियली अलग हुए और इस महीने ये नई खबरें आई हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन ज़रूर है। सोशल मीडिया पर लोग भड़के हुए हैं। जो लोग हार्दिक पंड्या को सिंपैथी दे रहे थे वो अब हार्दिक पंड्या को विलेन मान रहे हैं। आपकी क्या राय है, कौन इसमें गलत है, कौन इसमें सही है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।